हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में है? अरे कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? किधर है? अरे काय रे देवा, रे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। क्या ये स्टार गराज है? मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। देवी प्रसाद का घर नहीं है। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे कूतरे साला, देख के नंबर डाल कर ये खूब साले। हेलो बाबूराव है? नहीं देवी प्रसाद है, बोल। साला रख दिया तो भी बात करता है। हेलो बाबूराव जी है? हेलो 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 जी, मुझे किराए पे। समझ गया। कौन से गांव से आया तू? गुड़गांव। बहुत अच्छा गाँव रहने का। वहाँ का लोग गुड़ की तरफ मीठा मीठा होने का। जी वो तो है जी, मुझे मारुति भैया ने भेजा है। कौन मारुति? कौन भैया? जिनका रेस्टोरेंट है माटुंगा में। मारुति राव जी। अरे बाबा, वो तो बहुत चांगला, बहुत अच्छा आदमी है। वो भी बता रहे थे कि आप भी बहुत ही दरिया दिल इंसान है, जो दूसरों का दर्द समझते हैं। अच्छा बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल जी, मेरा नाम श्याम है। तो ये तुम्हारा समस्या है? तो नाम बदल डालो, उसमें गांव से इधर आने की क्या जरूरत है? मैं गांव से यहाँ नौकरी के चक्कर में आया हूँ। ना अरे बाबा, इधर कोई नौकरी नहीं। ठीक, घर घर। एक काम करो, ये सड़क पे राइट में चले जाओ, वहाँ बहुत सारी होटल है, जाओ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाली। कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए, आप तो दरिया दिल इंसान है। दिल दरिया, बाकी सब समंदर है। ये मेरी समस्या है, मैं आपकी समस्या और नहीं बढ़ाऊंगा। बारे जाओ। देख, लेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा महीने का 3,000। लेकिन मैं तो गाँव से सिर्फ 500 रूपए ले आया था। हाँ तो 500 देना, 500 चलेगा। 500 में से 200 खर्च हो गए, तो अभी कितना बचा है? 300। हाँ तो ला ना 300। उसमें से 100 पास के लिए चाहिए, तो 200 चलेगा। अच्छा, अब ये पैसा मैं कम लिया वो तो मैं चला लूंगा, ठीक है, लेकिन काम में हाथ बटाना पड़ेगा। ये कोई 5-स्टार होटल नहीं है, खाना पकाना आता है? जी नहीं। ठीक है, तो बर्तन धो लेना, चल खोल दिखाता हूँ। ये तुम्हारा कमरा है, तुम इधर रहने का। इधर एक और आदमी भी रहता है, वो उसका बैग है और उसका टॉवेल टूथपेस्ट तुम नहीं वापरने का। आजा संडास दिखाता हूँ। ये कितनी बार बोला कि दरवाजा पकड़ के भाई, या गाना गा। तुमको गाना गाने आता है? नहीं। तो सीखना पड़ेगा, अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे। क्यों? अंदर कड़ी नहीं है रे, और पहले तो दरवाजा भी नहीं था। अच्छा, मेरा पीछे पीछे नहीं आने का, उधर जा कमरे में और अपना सामान रख दे, जा। जी। एक तो सुबह से प्रेशर नहीं आ रहा और ऊपर से इसको बाथरूम में घुसने का शौक है। वो बाथरूम में कड़ी क्यों नहीं लगाते हो आप? अरे वो क्या खजाना है कि कड़ी और ताला लगाऊं? अरे तो जो लोग गैराज देखने आते हैं उनको बाथरूम क्यों दिखाते हो? वो गैराज देखने नहीं, इधर रहने आया है। इस शैतान को यहाँ कमरा दिया रहने के लिए? शैतान? इसने तो बोला था ये श्याम है। ये श्याम नहीं, जेब कतरा है। बाबूराव जी, इसे गलत फहमी है। ए, चले चल, 1, 2, 4, चल निकल यहाँ से, चल। अरे? चल बोला ना, चल। अरे तुम हाथ मत लगा। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाएंगा, चल यहाँ से निकल। मैं बाबूराव जी से सुनना चाहता हूँ। बाबूराव से सुनेगा ना तू? बाबूराव, मैं देखता हूँ तू यहाँ से कैसे नहीं जाएगा, जरूर जाएगा यहाँ से, साला चोर कहीं का। भैया भजन वाली की कसम, मैं चोर नहीं हूँ। आप जैसे भले आदमी को इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप ही बताइए, अगर मैं चोर होता तो क्या इतनी दूर से नौकरी की तलाश में यहाँ आता? मेरा भरोसा कीजिए, इसे समझाइए ना बाबू भैया। चले, दुख भरी कहानी मत सुना, चल ये देखे बाहर, बाहर चल, ये मेरा बैग राजू, और चल तू, चल तू। अरे और ये ले तेरा कंबल, निकल यहाँ से, चल निकल। ये क्या कर रहा है? आप एक लफ्ज भी मत बोलिए। एक लफ्ज? कौन सा लफ्ज? मेरा मतलब आप बीच में मत आइए। नाम का है तेरा? बाबू भैया मेरा नाम है। तेरा नाम कैसे रखता है? मेरा नाम है। और तू सुन, मैं इधर का मालिक हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ, मेरा भी कुछ बोलने का हक बनता है। राम श्याम, अरे तू कोई भी आम हो, तू अपना सामान उठा अंदर जा, जा। अगर ये अंदर जाएगा तो मैं घर के बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं, तू जा सकता है, जा। अरे आप उसको अंदर रखने के लिए इतना बेताब क्यों? वो फोकट में नहीं रहेगा, भाड़ा देगा। ये तू अपना सामान उठा अंदर जा। ठीक है, तो उसका किराया मैं दे दूंगा। देवा, 2 साल में फूटी कौड़ी नहीं दिया और उसका किराया भी देगा, तू जान है। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही?
मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया देके जाऊंगा। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। एक बात बता, तू सचमुच चोर नहीं है ना? नहीं बाबू भैया। हाँ वैसे भी चोर लोग चश्मा नहीं पहनते। चल ये भाई। थैंक यू। अरे नको रे, थैंक यू बैंक नको रे, वो दुकान पे जा और खंबा लेके आ। खंबा? खंबा दारू, दारू वहां जाके संतरे का बॉटल लेके जा। प्रेशर आ गया। ये क्या बेहुदा हरकत है? ये बेहुदा हरकत ना दिखाने के लिए ही तो मैंने दरवाजा बंद किया है। अरे क्या रे, उधर के चौकीदारी कर रहा है? देखिए ना बाबू भैया। क्या देखूं? इतनी देर से कपड़े धो रहा था, जब मैं बाथरूम की ओर गया तो धड़क से अंदर घुस गया। इसे कहिए ना कि जल्दी बाहर आ जाए, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। संडास में भी कभी इंटरव्यू होता है क्या? ए राजो तू बाहर ही है, इसको जाने दे। ए बाबू भैया आप मेरे पर्सनल मामले के बीच में मत आना, समझे? देखा बाबू भैया ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो। दरवाजा खुला रख दिया मैंने, जिस जिस को शक है वो अंदर आके देख ले, खुले दर्शन है। बाबू भैया आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चलिए। क्या रे बाबा है तुम्हारे लिए? चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बाबू भैया ए पीले गगन में चले। पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा? कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। धोती ये ले। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाद में आऊं? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग है ना कुंफू कराटे की प्रैक्टिस कर रहे थे प्यार से। आप लोगों में से शाम कौन है? मैं हूँ शाम। आप जरा यहाँ आएंगे? आपको मुझसे काम है? हाँ मुझसे काम है, है? देखा? अरे नहीं देखा रहे, उसके देखने से पहले मैंने फट से धोती पहनी। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, शाम के पीछे गोपियाँ कैसे मंडरा रही थी वो देखा? अरे वो उसकी बहन होगी। हाँ। इतनी गोरी आपको कैसे मालूम? उसने भी चश्मा पहना, इसने भी चश्मा पहना, दोनों चश्मे। उस हिसाब से तो आप उनके बाप होने चाहिए। देख राजू जबान को लगाम दे, समझा? देखा चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरा क्या है देख लेना। एक दिन इसके नाम से इतनी सारी लौंडियां इस घर में आएंगी, आप तो घर से बाहर होने वाले हो। ए देख राजू, मेरी कुंडली में खून लिखा मालूम है ना? हाँ मेरी कुंडली में भी लिखा है कि मेरे हाथों में खूनी का खून होगा। कितना खून सवार है इसके सर पे, देख रहे कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। मेरी बात मानो तो एक सफेद कागज पे इसके दस्तखत लिखवा लो, वरना देखना खबर छप जाएगी अखबार में कि एक किराएदार ने शराबी मकान मालिक के सर पे बोतल मार के उसकी हत्या कर दी और सारा का सारा घर हड़प लिया। ए बहुत हो गया तेरा बकवास, चुप हो जा। बाबू आप इसे समझाइए। सच बात बोलता तू मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे तेरे बाबा। आपको मुझ पे भरोसा नहीं? ये इसके दिल में खोट है। तेरे दिल में खोट है, मैं तो किराया देके रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता। हाँ तो मुफ्त में रहता तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ। तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो करना तू। हाँ तो तू भी करना। हाँ तो कागज लेके आना तू। तू कागज ले आ। अरे मैं क्यों लेके आऊं? तुम दोनों के दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके आओ, जाओ। देवा इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।